Yeah, ma'am, we can now start. यस आई एम हियर गॉट योर नोटबुक। ओके तो हमें यार लास्ट कॉन्सेप्ट करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके सो लेट्स जस्ट डू दैट। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आपको ये चीजें याद रखनी है। पहला तो मल्टीप्लायर का मीनिंग, ठीक है? फिर उसका रिलेशनशिप क्या है एमपीसी और एमपीएस से, ठीक है? और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो क्या होगा, और अगर मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, ठीक है? और उसका एक फॉर्म। तो क्या क्या याद करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में? पहले उसका मीनिंग, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? फिर उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है ये। फिर उसके बाद उसका रिलेशन क्या है एमपीसी से ओके और एमपीएस से, ठीक है? और लास्ट में उसका फॉर्मल। ये सारी चीजें अगर इफ यू हैव लर्न देन आपका मनी मल्टीप्लायर फिनिश हो जाएगा, फाइन? यस ओके सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज लाइक मैम व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? ओके सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इट। लेट्स रीड इट फर्स्ट। मल्टीप्लायर जैसे मनी मल्टीप्लायर था मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है मल्टीप्लायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? के। मल्टीप्लायर को कैसे लिखते हैं? के से लिखते हैं। सो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपकी इनकम कितनी बड़ी, दैट इज योर मल्टीप्लायर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? पैसे कमाने के लिए ना, या पैसे डुबाने के लिए, ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए। तो पैसे इन्वेस्ट करने की वजह से आपकी ना इन्कम कितनी ज्यादा बढ़ी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फाइन? यस मैम ओके नेक्स्ट, कीन्स बिलीव दैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम ऑफ मेनी टाइम्स। सो आप शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट करोगे वही आपकी फाइनल इनकम में मदद करेगी। ऐसा तो नहीं आज इन्वेस्टमेंट करिए कल ही यू आर गेटिंग एवरीथिंग। नो, इफ यू विल डू इन्वेस्टमेंट टुडे आने वाले अपकमिंग ईयर्स में, ऑफ कोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल यू बॉट दिस प्रॉपर्टी फॉर 1 लाख रुपीज। सो इफ यू विल सेल द सेम प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीक इट विल बी ओनली फॉर 1 लाख रुपीज, बट यू विल सेल दिस प्रॉपर्टी आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बी फॉर 1 करोड़ मे बी, राइट? सो कीन्स ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट। ही बिलीव दैट द इनिशियल इंक्रीमेंट इन द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। तो इनिशियल अगर आप इंक्रीमेंट करते हो तो उसके वजह से फाइनल इनकम क्या होती है, बहुत टाइम्स बढ़ जाती है। ओके देन मल्टीप्लायर एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर से आपको पता चलता है कि कितना गुना बढ़ी है, एक वन टाइम बढ़ी है, टू टाइम बढ़ी है, थ्री टाइम बढ़ी है, फोर टाइम बढ़ी है। सो दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स यू। My voice breaking in between you. Your voice not came in between. माय वॉइस इज नॉट क्लियर। Yeah, no, it's not audible. It's really gone. इट्स नॉट ऑडिबल। ओके बाय। सो ओके इज इट फाइन Don't नाउ, लाइक एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible now. ओके सो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर, मैम व्हाट इज दिस मल्टीप्लायर? सो मल्टीप्लायर बेसिकली टेल्स यू द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। आपकी नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही है जब आप इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है, क्लियर? यस कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे जो यहाँ पे नाम लिखा है, KYNES। कीन्स ने बिलीव करा कि जो भी आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, उसके वजह से ही तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, कल आप उसको सेल करोगे तो आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे। नो no. बट अगर आप सेम प्रॉपर्टी को 10 साल बाद बेचोगे तो ऑफकोर्स आपको 1 करोड़ रुपीज मिल सकते हैं, बिकॉज उस प्रॉपर्टी की प्राइस जो होगी वो बढ़ेगी, राइट? तो इनिशियल यस मतलब स्टार्टिंग का इंक्रीमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट का, उसके वजह से ही जो आपकी इनकम है वो बढ़ती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने करा है उसका प्राइस बढ़ेगा तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, बट उसका प्राइस अगर बढ़ ही नहीं रहा तो आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, राइट?
Then multiplier explain how many times the income increases as a result of increase in investment. The multiplier आपको बताता है कि आपकी इनकम कितने गुना बढ़ी है, एक गुना, तो वन टाइम्स, टू टाइम, थ्री टाइम्स, तो ये आपको कौन बताता है, मल्टीप्लायर बता. क्लियर? यस मैम. ओके, यू विल क्विकली राइट दिस डाउन.
How many times can squeeze for any things in the over the meaning of second line? Second line over here is Keynes believe that the initial increment in investment increases to the final income by many times. वो कहते हैं कि अगर आप देखो जो इन्वेस्टमेंट है वो तभी बढ़ेगी जब आप इन्वेस्ट जब आपकी इनकम है वो तभी बढ़ेगी जब इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ेगी. जो आपने लैंड खरीदी थी अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी ना. तो वो ये बिलीव करते हैं कि इनिशियल इंक्रीमेंट जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है उसी की वजह से ही आपकी जो इनकम है वो मेनी टाइम्स बढ़ती है. अगर आपकी लैंड आपने खरीदी उसके प्राइस ही नहीं बढ़ रहे तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी. यस मैम. डन. Now you will make this. अभी इसमें राइटिंग नहीं समझ आएगी थोड़ी थोड़ी तो मैनेज ओके. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पहले क्या करना है मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर ओके. फिर रिलेशनशिप विद एमपीसी एमपीएस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओके. ओके मैम. फिर उसके बाद दिस MIN मींस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड लास्ट में फॉर्मूला ओके. ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. मीनिंग हमने कर लिया. आप रिलेशनशिप देखेंगे फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एंड देन फॉर्म. समझ के लिखना पड़ेगा उसमें से कैसे लिखूं. ओके. फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर. सेकंड वन इज रिलेशनशिप विद एमपीसी एंड एमपीएस ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो नहीं समझ आएगा मुझे बता देना. एक मिनट मैं इसको बना लेता हूँ. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एमपीसी एमपीएस ऑफ आइटम. व्हाट यू रिटन रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीसी ऑफ इन्वेस्टमेंट INV मीन्स इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट
उसका डन मैम। ओके हाँ आई नाउ प्रेस एमपीसी आई प्रेस दिस वन एमपीसी इंक्रीज एंड व्हाट यू रिटन। ओके दिस वन आई विल एक्सप्लेन यू देन यू विल राइट डोंट वरी ठीक सब कुछ अभी नहीं लिखना ओके ओके या नाउ अब देखो राउंड वन राउंड टू जैसे हम मल्टी मनी मल्टीप्लायर में कर रहे थे सेम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज थी वो 1000 ही रहेगी राइट तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करी 1000 की तो आपकी इनकम की इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी हो गई वाई मतलब इनकम ठीक है 1000 हो गई ओके आपका कंजम्पशन कितना था 900 का था आपकी सेव हो रही थी 100 क्लियर यस इन्वेस्टमेंट मैम। 1000 की करी तो उससे आपको 1000 रुपीज मिली जिसमें से आपने 900 रुपीज कंज्यूम कर लिए और 100 रुपीज आपने क्या करे सेव कर लिए अब आपकी इन्वेस्टमेंट ये थी तो आपकी इनकम 900 हुई आपका कंजम्पशन 810 हो गया और 90 रुपीज आपने सेव कर दी सेम इनकम 800 810 हो गई और इन्वेस्टमेंट इसके 729 हो गया और 81 हो गया ये तो आपको याद करना पड़ेगा ठीक है डिक्रीज हो रही ओके नाउ ओके ऐसा करते करते आपकी जो इनकम थी देखो इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी थी 1000 की करी थी लेकिन आपकी इनकम देखो कितनी हो गई है 10,000 राइट या उसमें से 10,000 में 9,000 आप कंज्यूम कर रहे हो और ये अब मैम ये कैसे निकला ठीक है तो इसके लिए फॉर्मल है ओके तो अब दो फॉर्मल है एक तो है पहला दिस वन 10 इक्वल इनकम ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट
ओके okay? तो के कितना था आपका 10, लाइक फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 10% ले लेते के, ठीक है? तो 10% था, 10, ये कितना हुआ चेंज इन, ये नहीं पता आपको, लेकिन चेंज इन वो पता है आपको, 1000 हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ओके क्लियर? यस तो मैम, 1000 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 10,000 का, ठीक है, और ये आपकी इनकम आ गई, क्लियर? यस मैम, तो ये आपकी इनकम आ गई। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, के निकालना है कि कितना गुना आपका मनी जो है वो मल्टीप्लाई हो। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, के इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एमपीसी आपका 90% है, ठीक है, एमपीसी 90%, ये पेपर में दिया होगा, जैसे उस टाइम पे दिया होता है ना, एलआरआर 10% है ऐसे करके, वैसे ही दिया होता है, ठीक है? तो अगर एमपीसी 90% है तो क्या ये ऐसे हो सकता है, 1 माइनस 90 अपॉन 100, राइट? यस यस मैम, एंड के इक्वल्स टू 1 माइनस 0.90, राइट? फिर कैन यू बताओ, प्लीज एक्सप्लेन दिस टेबल अगेन? ये सेसा एक्सप्लेन ही, तभी इसको समझो के कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो ये आ गया और ये ऊपर गया तो बन गया 10 अपॉन 100, ये कटा, ओके, वेट वेट, यस मैम, 0.10 गया ऊपर, नीचे आया और नीचे आ गया, 10 बज, ठीक है, ओके, क्लियर? ओके ओके मैम, अब ये टेबल देखो, ये टेबल में क्या है ना, आपको हर टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपने निकाला कि टोटल, ये आपको याद करनी पड़ेगी, 1000 था, 1000 था, इसमें से आपने करा 900 और 100, ठीक है? फिर अगेन इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगी, अब आप क्या कर रहे हो, 100 रुपीज कम कर रहे हो, तो 90 900, और उसमें से कंज्यूम कर रहे हो 810 और 90 रुपीज बचा रहे हो, ठीक है? फिर उसके ओके बाद यहाँ, और फिर उसके बाद 800 कमा रहे हो आप, 810, 729, लाइक दिस। बेसिकली आपको ये नीचे का याद रखना है, टोटल कितना बना रहे हो, जिसके लिए फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा ये, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, राइट? और फिर 10 टाइम्स, क्लियर? एक बार इसको नोट करो, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको एक अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? या वेट मैम, वेट, ठीक है, समझ लो उसको कैसे आया है। यस मैम, ओके
डन विवेक, ओके सो एक और बार समझाऊं। यस मैम। ओके तो इसमें बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट करी 1000 की, ये करी 1000, ठीक है। अब इसमें से क्या करा, 10% जो है वो आपने सेव कर लिया, राइट, और यहाँ पे रखा, ठीक है, इसका 10%। ओके अब 1000 रुपीज आपकी इनकम बढ़ रही थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने इतना क्या करा था, कंज्यूम आपने 900 करा और ये 100 आपने सेव किया, ठीक है। यहाँ पे करा 900 और यहाँ पे 810 और यहाँ पे 9। ओके अगर आप दो राउंड भी लर्न करोगे दैट्स इनफ, आपको बेसिकली एग्जांपल याद करना है, तो ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, 800, कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी मैम, ये 800 900 आया कैसे, 810 और 900 आया कैसे? ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है, कि अगर आप 1000 कमा रहे थे तो 900 कंज्यूम कर रहे थे और 100 रुपीज आप दे रहे थे, ठीक है। अगर आप 900 रुपीज कमा रहे हो तो आप 810 खा रहे हो और 990 रुपीज बचा रहे हो, ये क्लियर। ओके बट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, 810, हाउ यू आर टेकिंग 810 फ्रॉम यू वेयर? कैन टेक एनी नंबर, बट मैम, लाइक व्हेन आई विल टेक, ओके 810, आई विल एट ऑन, आई विल पुट 800 पिक्स। यू कैन टेक 800, तो ओवर हेयर विल बी सेविंग विल बी 100, बट आपको एक नंबर कम लेना है, लाइक इसमें 100 हुआ तो इसमें से 10 माइनस करके 90 ले लो, कम लेना है उससे, ज्यादा नहीं लेना या बराबर भी नहीं लेना। यू कैन इवन टेक 95, तो यहाँ पे कितना होगा, 815, समझे। बट वेन वी डू इन एग्जाम, देन दे विल वांट, दे वांट दैट वन उस ना टाइम पे वो कॉन्सेप्ट। आपको देंगे, उस टाइम पे वो आपको देंगे कि आपको सेव करना है 10%, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, 10% ऑफ 1000, सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0 और 0 गॉट कैंसिल एंड आंसर गॉट 100। ओके तो ये चीज आपको दी जाएगी कि आपका सेव कितना है, 10% है और 90% है, ऐसे करके, ठीक है। ओके ये चीज आपको दी जाएगी, तो आप किसी चीज़ मत करो, जैसे ये 10% है तो 10% ऑफ 900, ओके सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 900, तो 0 और 0 गॉट कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, 90, सो यू गॉट 90 हियर, क्लियर, ऐसे निकलेगा। ओके फिर 900 में से 90 माइनस कर दो तो 810 आ गया, ओके क्लियर। बस आपको बेसिकली ये याद रखना है, ये वाली चीज, ओके 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 ऑटोमेटिकली ये 10% है और ये 90% है, तो ये 10% निकालो फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाए, ओके ओके मैम। मैम, देन यू, हाउ यू कैलकुलेट दिस वन, लाइक के इक्वल्स टू 1 माइनस MPC1? ये दिस वन, या ये फॉर्मूला है, एमपीसी तो यहाँ पे एमपीसी कितना दे रहा है, 90%, तो 90% मतलब क्या होता है, 90/100 है ना, यहाँ या पे मैंने लिखा है ना 90/100, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है एमपीसी कितना है 90%, एमपीएच कितना है 10%, ओके ओके।
ओके मैम.
Are you there? Yes, Vivek, I'm here. Done? Yeah. Okay. Now the thing is that अब देखो रिलेशनशिप रिलेशनशिप बेसिकली इफ एमपीसी विल इंक्रीज राइट तो दैट विल आल्सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. ओके इफ एमपीएस विल डिक्रीज इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज इंक्रीज. क्लियर. तो बेसिकली व्हाट वी गेट टू नो दैट एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशन डायरेक्ट है. एमपीसी विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट विल आल्सो इंक्रीज राइट द मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. एंड एमपीएस का क्या है. एमपीएस द सीन इज दैट व्हेन एमपीएस गोज डाउन इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीज सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन. ओके okay? ओके डन मैम। नाउ अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी. दिस इज द साइन ऑफ इंफिनिटी. ओके एंड देयर आर टू फॉर्मूलास. दिस वन के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और 1 अपॉन एमपीएस. ओके सो मिनिमम वैल्यू इज 1 मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी. ओके देयर इज नो या वैल्यू. मैम वेट ओके मैम।